हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने करने वाले हैं गॉड ऑफ वार रैग्नारोक का जो कल ट्रेलर आया है उसका मैं रिएक्शन करूंगा और कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये जो नया गेम है गॉड ऑफ वार का, इसमें क्या नई चीज़ें होने वाली है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। लेट गोर इंटेंस वायलेंस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज प्ले स्टेशन स्टूडियोज़। Everyone keeps secrets. मिक्स ऑफ गेम प्ले एंड इन गेम सिनेमैटिक्स। अच्छा, इसमें ये पता लग रहा है कि एट्रिस के पास अभी भी कुछ शक्तियां हैं और एट्रिस थोड़ा बड़ा हो गया है और Sometimes it's the only way to protect the ones we love. और एट्रिस कह रहा है कि अपनों को बचाने के लिए कभी कभी सीक्रेट भी रखने पड़ते हैं और क्रेटोस भी शायद यही कर रहा है क्योंकि गॉड ऑफ वार 3 में जो कुछ हुआ उसके बाद में अभी यहाँ पे ये जो अपना जो सीक्रेट है वो किसी को भी नहीं बता रहा और लड़ाई से बिल्कुल दूर रह रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लड़ाइयाँ इसको गॉड ऑफ वार जो 2018 में आया था वो करनी पड़ गई थी। और अभी अपने देख सकते हैं कि आगे की स्टोरी है। इसके पास खुद की जो एक्स है और जो ब्लेड ऑफ ओलिम्पस है वो भी अपने देख पा रहे हैं। सेंटा मोनिका स्टूडियोज। आई नो यू गॉड किलर। ये टियर है ये जो आपने देख पा रहे हैं। What is it you want from me? तो टीयर कह रहा है कि तुझे मुझसे क्या चाहिए। और अभी अपने देख पा रहे हैं कि ये जो टीयर है ये इसको गॉड किलर बोल रहा है जो क्रेटोस है क्योंकि रियल में इसने गॉड्स को मारा था। What is it you want from me? तो एट्रियस और क्रेटोस कोई जगह पे आए हैं, सामने अपने एक मूर्ति देख पा रहे हैं। Is it a god of war you came to find? तो क्रेटोस एज यूजुअल अपनी जो किलिंग्स है उसमें लगा हुआ है एनिमीज को। और ये आगे शायद टीयर really want war. Do you, Kratos? ये अपने को एक शेडो दिखाई दे रही है, ये किसकी हो सकती है? तो गाइज ये जो फिगर अपने सामने देख रहे हैं ये शायद तक ओडिन हो सकता है। All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. पिछले गेम की तरह ही एट्रियस और क्रेटोस में बाप बेटे की जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। और ये कुछ पेंटिंग्स देख पा रहे हैं दीवार के ऊपर और यहाँ कुछ गेम से रिलेटेड जो आगे कुछ हो सकता है वो दिखाई दे रहा है। ओ तो ये जो विच है ये वापस आ गई है क्योंकि इसके बेटे को पिछले गेम के अंदर क्रेटोस ने मार दिया था उसको, बाल्डर को जो इसका बेटा था। But that's not all that matters. इसने जो वो मतलब जो शक्ति दी थी एट्रियस को वो इसने वापस ले लिया। Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. Sure about that? Pretender God! Death can have me. तो ये जो वेलक्री ने ये वापस आ चुके हैं। ओ भाई मतलब बॉसेस बहुत खतरनाक होने वाले हैं इस गेम के अंदर। ये जो शील्ड है ये भी अपनी पावरफुल हो चुकी है आप देख पा रहे हैं। In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Enemies भी अलग अलग टाइप के आएंगे और ये जो इसके ब्लेड ऑफ ओलंपस है ये भी काफी पावरफुल हो चुकी है। Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about anything beyond yourself. ये गॉड ऑफ वार 3 जैसा कुछ लग रहा है शायद तक, ये जो अभी अपनों ने एक बॉस देखा। Beyond the monster who kills without cause. यानी गॉड ऑफ वार को मजबूरी में वापस वायलेंट होना पड़ रहा है क्योंकि चीजें अच्छी नहीं चल रही है। ये किसी
आप गाइस देख सकते हैं ये किसी नए कैरेक्टर को क्रेटोस लेके साथ में भाग रही है। देखो नया कैरेक्टर है शायद ये वाला है और इसको लेके ये भाग रहा है और अपने पास दो नए वुल्फ भी हैं और वाटर के अंदर भी गेम प्ले हो सकता है। और ये देखो ये जायंट वुल्फ अमेजिंग यार। फेट ओनली बाइंड यू इफ यू लेट इट। ये सन के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। एक नई तरह की चीज देखने को मिल रही है गाइस। अमेजिंग अमेजिंग ये गेम मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाला है ये गेम गाइस। नए नए कैरेक्टर आएंगे और ये कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं ये नोकन जैसा लग रहा है नॉर्स माइथोलॉजी में से। Not because it is written. और विंटर यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं आप गाइस। और गाइज आप देख सकते हैं कि मिमिर अभी भी क्रेटोस के पास में ही है जैसा पिछले गेम में एंडिंग हुई थी। और ओ माय गॉड ये बड़ा सा मशरूम यानी एनिमीज का साइज देखो आप कितना बड़ा है और टीयर का साइज भी देखो आप कितना बड़ा है। टीयर शायद इस गेम में मदद करने वाला है क्रेटोस की मुझे ऐसा लगता है। और शील्ड देखो थोर के साथ लड़ाई होने वाले गाइस मेरे तो गूज बम्प हो चुके हैं गाइस। बहुत बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक विल मेक आवर ओन डेस्टिनी। ये देखो गाइस थोर मोटा हो चुका है जैसे आपने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा था। प्री ऑर्डर नाउ गाइस जरूर ये गेम परचेज कीजिएगा बहुत बहुत अच्छा लगा ये गेम। और बाकी जो PS5 के नए गेम आने वाले हैं उनकी भी मैं रिएक्शन वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। गुड बाय।